हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल लीडर। और सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन, APK फाइल व्हाट्सएप के ज़रिए किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके आपने ES फाइल एक्सप्लोरर जो है उसको डाउनलोड करना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है, ES फाइल एक्सप्लोरर को। ठीक है, और ओपन करने के बाद आपने जो भी एप्लीकेशन सेंड करनी है आप वहाँ तक चले जाइए। ठीक है, ये देखिए, मैं ये एप्लीकेशन सेंड करूँगा। मैं यहाँ से इसको दबाऊँगा और इसको रीनेम करना है मैंने। तो ये देखिए, मैं यहाँ से जो ये APK लिखा हुआ है, मैं यहाँ से इसको ख़त्म करके TXT लिख के इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल बन गई है जो आप सेंड कर सकते हैं इसको व्हाट्सएप के ज़रिए भी। ठीक है, तो मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। फ़र्ज़ करिए मैं ये एप्लीकेशन सेंड करूँगा, तो ये देखिए, यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो आपने अब इसको यहाँ से करना है, इसको शेयर कर देना है। ये देखिए, मैं यहाँ से इसको शेयर करूँगा और ये देखिए, मेरे सामने व्हाट्सएप वो आ रहा है। मैं यहाँ से ओके करूँगा व्हाट्सएप को, और ये देखिए, ये व्हाट्सएप ओपन हो गया। और मैं यहाँ से जिसको भी सेंड करना चाहूँ, मैं यहाँ से इसको ऐसे करके दबा दूँगा और ये सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप किस तरह से इसको इंस्टॉल करेंगे, ये देखिए, अब ये फाइल जो है यहाँ पे आ चुकी है। तो हम मैं यहाँ से अभी वापस जाता हूँ। ये देखिए, ES फाइल एक्सप्लोरर आपने दूसरे मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल लाजमी करना है। ठीक है, मैं अब इसको ओपन करूँगा और यहाँ से स्किप करते हैं, यहाँ से इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ से ये जो व्हाट्सएप का फोल्डर है हम वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मीडिया ओपन करेंगे और यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर को ओपन करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये DJ लाइकर, ये जो टेक्स्ट फाइल हमने बनाई थी, ये वैसे ही वहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको भी रीनेम कर देना है फिर से, और आपने यहाँ जहाँ पे TXT लिखा हुआ वहाँ पे आपने APK लिख देना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल APK फाइल बन चुकी है। और आपने यहाँ से इसको ओके करना है और यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।